एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब ठीक ठाक एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद जो है आपका भाई व्लॉग लेके आया है। तो एक्चुअल में हुआ क्या गाइस, मेरे दादा जो है 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार थे, कुछ इस तरह से बीमार थे, समझ सकते हैं आप। तो पूरी फैमिली बहुत दुख में थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ऐसे मेरा जो है बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग बनाने का। तो आजकल मैं थोड़ा शिमला आया हूँ, थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा मूव ऑन कर लेते हैं और फिर से आपके लिए जो है ब्लॉग लेके आए। हर एक हफ्ते आपके लिए डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे अब। तो गाइज, उसके लिए आप सबका प्यार जो है वैसी चाहिए जैसे आप जो पिछले हर ब्लॉग में देते आ रहे थे, तो इस ब्लॉग में आपको शायद वैसे प्यार देंगे। देखते हैं, इस ब्लॉग में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा आज हम क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे घर में रूम में रह के, तो वही आपको बताएंगे। फिलहाल तो कोई नहीं है रूम पे, देख सकते हैं पूरा रूम खाली और सारा सामान जो है बिखरा हुआ। अभी भाई मैं थोड़ा सफाई करूँगा, मासी आजकल गाँव गए हैं और काकू के जो मेरे कज़न भाई हैं उनका आज पेपर है, तो आज पेपर देने गए हुए हैं, तो मैं फटाफट से सफाई करूँगा। और बार तो काकू ही करते क्योंकि आज उनका पेपर है, थोड़ा मेरे को काम करना पड़ेगा। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और आई थिंक 10 बज चुके हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट सो के मैं लेट उठा क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा लेट सोया, 2 बजे सोया मैं शाम को। तो थोड़ा मैं काम कर लेता हूँ। ये देखो ट्राइपॉड से अब आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। मैं देखो कमेंट करना कैसा ट्राइपॉड है, जो तो व्लॉगर है उनको सब पता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, देखो इसको घुमा भी सकते ऐसे, देखो ऐसे करके घुमा सकते चारों तरफ। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये, तो शायद अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। पहले फटाफट काम कर लेते हैं। सफाई करके भी खत्म हो चुका हूँ, अब हम अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाएंगे कड़क वाली। तो चाय बनाएंगे अपने लिए थोड़ा। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off, I am blind. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh. So guys, finally मैं चाय बना के भी फ्री हो चुका हूँ। अब चाय पीने की बारी, थोड़ा आपको टेस्ट करके बताते हैं चाय कैसी बनी है। तो गाइस काफ़ी अच्छी चाय बनी है। तो वैसे मैं काफ़ी अच्छी चाय बनाता हूँ क्योंकि मेरे को खुद की हाथ की चाय जो है अच्छी लगती है, तो मैं खुद की तारीफ भी खुद करता हूँ। तो फटाफट से चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आगे व्लॉग में। तो और कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। फिर कैसे गया आपका पेपर आज? बहुत बढ़िया गया। तो आपका पेपर संडे को था आज? हाँ, सरकारी पेपर संडे को ही होता है, क्या कर सकते हैं। और ये आपने खाने के लिए लाया है ना काकू? ये बोलो ना आप, पहले आपने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी है? ये हमारे ब्लॉगर है, बहुत बड़े ब्लॉगर है। क्या हूँ सच में, यानी कि अच्छे ब्लॉग बनाते थे, पता नहीं क्यों छोड़ दी काकू, क्यों छोड़ी आपने? उसी टाइम नहीं लगता। फिर भी अब आपको सोचना चाहिए कि यार मेरे को बनाने चाहिए ब्लॉग। शाम का टाइम हो चुका है अब, तो 5-6 बज चुके हैं। तो अभी तक मैं सोया था, मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम लगा। और पहले हम ये खा लेते काकू जो इतनी मेहनत से हमारे लिए लाए हुए। तो गाइस शाम के 8 बज चुके हैं और हमने अभी इस टाइम अभी दाल लगा दी है पकाने के लिए। ये देख लो, अब ये क्या कोई डांस कर रहे हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। और क्या लगेगा भाई, कब बंद करो, तो एक मिनट बंद करो। अरे क्या कोई, ये देखो आप। ए तो गाइस सुबह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आज, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल से ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आदत जैसी नहीं है आजकल ब्लॉग बनाने की। तो अब अगर हर दिन ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे तो आदत सी पड़ जाएगी, आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये बंदियों से चैट करें अभी भी, बोला बंदी नहीं है, ओह सॉरी।
तो गाइस फाइनली हम खाना बना के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और थोड़ी देर में हम अब खाना खाना है। और काकू भाई अभी तक बैठे हुए हैं। काकू भाई क्या करते हैं यार, वो छोड़ दो। काकू एक मैंने आज रेस्ट दिया कि आज मैं बनाऊंगा खाना। देखते हैं काकू भाई बताएंगे आज कैसे बनाओ खाना। क्यों काकू भाई मेरे हाथ का खाना बताना कैसे बनाओ। बढ़िया, ताकि गाइस को पता लगे कि मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ क्योंकि देखो काकू भाई खाना निकालेंगे। काकू भाई निकालना खाना। क्या ये देखो दाल लगाई ये तो बिल्कुल तैयार। अरे तुम्हारा भाई खतरनाक खाना बनाता है। क्यों बनाता हूँ कि नहीं बनाता सच बोलना। मैं कैसे बंदी वैसे ही बनाते हैं खाना कैसे बनाते हैं सच बोलो। बढ़िया, शादी करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं अच्छा शादी तब करते हैं कि खाना नहीं बनाना पड़ता। इतना बढ़िया बनाता है वो क्या जरूरत है। अच्छा और कुछ काम है तो शादी के बाद। और कुछ काम है पक्का। तो गाइस फाइनली हम खाना खा के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और सोने की तैयारी में हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम सोने की तैयारी। तो काकू भी सोने की तैयारी में है। काकू भी सो रहे कि बात कर रहे। फिलहाल तो ये बात कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आपके लिए जब हर हफ्ते जो है एक एक ब्लॉग देखने को मिलेगा तो कुछ नया करेंगे इस बार ब्लॉग में। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे वीडियो में जैसे पहले करते थे प्यारे से वीडियो में वैसे प्यार करेंगे। जो मेरे सब्सक्राइब पहले हैं वो भी वैसे ही प्यार करते रहेंगे। तो बाय बाय गाइस, लव यू।